यो रेडियो कश्मीर जम्मू है। जावेद चौधरी ते मोहम्मद अमीन अंजम ते खबर सुनो। वादी कश्मीर का शोपिया जिला में हिफाजती दस्तां ते मिलीटेंटां बिचकार हुई गोलीबारी का नतीजा में दो मिलीटेंट हलाक हो गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने 2017 का CRPF कैंप हमला का मुलजिम ना गिरफ्तार कर लियो है। वजीर आजम मोदी ने कहा है जे हकूमत ने तमाम तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत जाहिर की। जिला चुनाव अफसर जम्मू ने वोटिंग मशीना का मजमुआ की खातर कायम किया गया मजबूत कमरा को मुआयनो कियो। खबरों की तफसील संग पहला मोहम्मद अमीन अंजुम। वादी कश्मीर का शुपियां जिला में हफाजती दस्ता संग हुई एक मुख्तसर गोलीबारी का नतीजा में दो मिलीटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस का एक सीनियर अफसर ने जानकारी देता हुआ कहा है जे जिला में कुछ मिलीटेंटा की मौजूदगी बारे सू मिलन की बुनियाद पर इलाका को मुहासरो कर गए। तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी जी मिलीटेंटा ने गोलीबारी शुरू कर दी तय इस तरह जवाबी कार्रवाई में दो मिलीटेंट हलाक कर दिया गया। मिलीटेंटा की तंजीम बारे पता लाए जा रही है तो इलाका में तलाशी कार्रवाई अजू जारी है। कौमी तहकीकती एजेंसी ने आज CRPF ग्रुप सेंटर पुलवामा में हुआ हमला का चौथा मतलूब मुलजम ना गिरफ्तार कर लिया है। 2017 में हुआ इस हमला में CRPF का 5 जवान जबकि जैश मोहम्मद तंजीम का तमाम 3 मिलिटेंट हलाक हो गया था। सरकारी जरिया ने दस्यो जी जैश मोहम्मद को कलीदी सरगर्म सैयद हिलाल अंदराबी एक कलीदी साजिशकार थो जिसने हमलों करने में मदद की थी। मुलजम ने 5 रोजा पुलिस हिरासत में टोर दितो गयो है। जिला राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी का नतीजा में आज एक जोड़ो जख्मी हो गयो। सरकारी जरिया ने दस्यो है जे नौशहरा सेक्टर का कलाल इलाका में रात तकरीबन 2:30 बजे पाकिस्तानी बिलाशताल गोलीबारी शुरू कर दी ते गोलीबारी का नतीजा में जख्मी हुआ अफराद की शिनाख्त संजीव कुमार ते उसकी टबरी रीता कुमारी के तौर की गई है। इन लोगों ना कार के अंदर गोली लगी यो भी दस्यो गयो है जे दोहां जख्मियों ना फौरी तौर इलाज की खातर हस्पताल ले जायो गयो जित उनकी हालत मुस्तहकम दसी जा रही है। काबिले जिक्र है जे पाकिस्तानी फौजियों ने लोका हथियारों संग गोलीबारी शुरू की थी जिसको भारतीय फौज ने भी परतो दितो ते बन्ना पार ने गोलीबारी को यो तबादलो थोड़ी देर तक चलतो रहो। पेश है इस बारे मजीद जानकारी मारा नुमाइंदा ते। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की वायलेशन की गई है। इस सीज फायर वायलेशन में 2 लोग घायल हो चुके हैं। कलाल के रहने वाली रीता कुमारी और संजीव कुमार जो कि 32 साल इनकी उम्र है और रीता कुमारी की 28 साल उम्र है, इनका इलाज राजौरी के नौशहरा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक के फायरिंग अभी भी सीमा पर जारी है। राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। चीफ सेक्रेटरी बीवी रासुब्रमणियम ने कल श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग का मकसद दरबार बदल का सिलसिला में किया जा रहा इंतजाम को जायजो लेनो थो। इस सिलसिला में दफ्तर मई महीना का पहला हफ्ता में श्रीनगर में खुलना मतवक्का है। चीफ सेक्रेटरी ने सिविल सेक्रेटरेट श्रीनगर में किया जा रहा इंतजाम को जायजो लियो ताजे उत सरकारी कामकाज शुरू किया जा सके। उन्होंने IT महकमा हुक्म दितो जे वो इंटरनेट खिदमात ना काबिलकार बनाने वास्ते काम करे। चीफ सेक्रेटरी ने दरबार बदल का मुलाजमान की रिहायश बारे इंतजाम को भी जायजो लियो। उन्होंने महकमा PHE बिजली स्टेट ते श्रीनगर म्यूनसिपल कारपोरेशन भी हुक्म दितो जे वो रिहायशी कॉलोनियों को दौरा लावे ते बशमूल पीने का पानी ते बिजली की दस्तियाबी बुनियादी सहूलियत यकीनी बनावे। गवर्नर का सलाहकार KK शर्मा ने नवरात्रा ते नवरेगा मौका पर लोगों ने मुबारकबाद पेश की। अपना एक पैगाम सलाहकार मौसूफ ने दुआ की है जी यो त्यौहार रियासत में अमन भाईचारो तरक्की ते खुशहाली ले गया आवेगो। उन्होंने कश्मीरी पंडितों ने भी मुबारकबाद कही है जेड़ा जे अज का त्यौहारा ना नवरिया गैतौर मनावे। जिला तकैती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने देविका घाट उधमपुर में 14 अप्रैल से शुरू होने वाला 3 रोजा बैसाखी मेला का सिलसिला में कल इंतजाम को जायजो लियो। इस मौके पर सलामती पीने का पानी बिजली सप्लाई वगैरह बारे इंतजाम पर मुफसल तबादला ख्याल किया गया। बख बख महकमा का सरबराहना हदायत दी गई जिवे मेलो शुरू होने पहला अपना अपना महकमा के मुतलक बेहतर इंतजाम यकीनी बनावे। इस मौके पर एक टीम तश्कील दी गई जी जी मेला के दौरान गैर मियारी खाना पर नजर रखेगी। मीटिंग के दौरान इस 3 रोजा मेला में मुनकद होने वाला बख बख सकाफती प्रोग्रामा बारे भी तबादला ख्याल किया गया। PHE महकमा जे वो पीन का पानी की सहूलत मुयसर रखे जबकि म्यूनसिपल हुकाम ते तिबी महकमा ना हुक्म दितो गयो है जेवे मेला के दौरान सफाई सुथराई ते तिबी सहूलियात मुनासिब तरीके नाल यकीनी बनावे। ये खबर तम रेडियो कश्मीर जम्मू ते सुन रहे हैं। मजीद खबर नाल जावेद चौधरी। वजीर आजम ने उड़ीसा में आज एक चुनावी जलसा में गलबात करता में कहा जे उनकी हुकूमत ने जमीनी आसमानी ते हवाई सर्जिकल स्ट्राइक कर गया अपनी बहादुरी को सबूत दितो है। उन्होंने कहा कि मुल्क ना चलाने वास्ते एक मजबूत हुकूमत की वक्त लोड़ है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जे उनकी हुकूमत सबका साथ सबका विकास नारा पर यकीन रखे है। ज़िला इलेक्शन अफसर जम्मू रमेश कुमार ने कल MM कॉलेज ते गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में वोटिंग मशीन का मजमू की खातर कायम किया गया मजबूत कमरों को मुआयना कियो। इस तू पहला DEO मसूफ ने बख बख महकमान सौंपया गया कम की तैयारी को मुआयना भी कियो। उन्होंने हुक्म दितो जे सलामती एजेंसियां ते PWD की मदद संघ दोवां मरकजा वर मुनासिब बैरीकेडिंग की जाए। इस मौके पर हर असेंबली हलका का असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर जरूरी हिदायत की गई। उन्होंने PWD हुकाम ना भी EVM मशीन का रखन वास्ते वाफर मकदार में जगह दस्तियाब करान को हुक्म दितो। मीटिंग के दौरान जिला चुनाव अफसर ने भारतीय चुनाव कमीशन की हिदायत के मुताबिक कम करन वर जोर पायो। इस मौके पर जिला चुनाव अफसर के हमरा ADC जम्मू रशपाल सिंह ते SDM चौकी चोरा चांद किशोर शर्मा भी था। माजूर अफराद में चुनाव बारे बेदारी पैदा करने की खातर कल बच्चा तहफ़ यूनिट का जिला दफ्तर में एक प्रोग्राम को इनकाद कियो गयो। यो प्रोग्राम स्वीप बारे नोडल अफसर अमरज्योति रैना की निगरानी में समाजी बहबूद महकमा की तरफ मुनक्कद कियो गयो। प्रोग्राम के दौरान नोडल अफसर ने कियो जे इस मुहिम को मकसद लोकाना चुनाव सहूलियात की जानकारी आम करनो है। बाद में शिरकत कारा में एक अजम भी कियो गयो जे लोकसभा चुनाव के दौरान ज्यादा तो ज्यादा वोटर वोट का हक को इस्तेमाल करें। इसी तरह का बेदारी कैंप पुलिस तरबेती स्कूल कठुआ ते चनाब टैक्सटाइल मिल में भी मुनक्कद किया गया। EVM मशीन बारे बेतरतीबी आली कार्रवाई का दूजा मरहला के तहत कल जिला कठुआ में रिटर्निंग अफसर बराए उधमपुर पार्लिमानी हलका विकास कुंडल की निगरानी में की गई। इस मौके पर रिटर्निंग अफसर ने इस कार्रवाई की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा जे इस कार्रवाई को मकसद आजादाना ते शफाफ तरीका नाल चुनाव कराना यकीनी बनाना है। इस तो पहला उन्होंने बख बख नुमाइंदा ना इस बेतरतीबी आली कार्रवाई को खुलासो कियो। नायब सदर जमहूरिया MVenkaiah Naidu ने कहा है जे योगा दुनिया भर में शोहरत हासिल कर रहा है। इसकी मदद संग जहनी दबाव घट करन में सहूलत मिले है, नाले खतरनाक बीमारियों को इलाज वे। वे कल लखनऊ में एक सालाना मीटिंग के दौरान बोल रहा था। BJP लीडर कोविंदर गुप्ता ने रेहाना बशीर ते 8 दूजा उम्मीदवार ना मुबारकबाद पेश की है जिन्होंने इस साल सिविल सर्विसेज में इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने मुख्तरमा रेहाना बशीर संग मुलाकात की ते रियासत का तमाम कामयाब उम्मीदवार ना मुबारकबाद कही। जनाब गुप्ता ने कहा जे नौजवान लड़का लड़कियों की शानदार कामयाबी ने पूरी रियासत ना फख्र करन को मौको दितो है। उन्होंने कामयाब उम्मीदवारों का वालदैन ना भी दिली मुबारकबाद पेश की है। ते आखिर में खास खबर एक बार फिर। वादी कश्मीर का शुपियां जिला में फासदी दस्तां ते मिलिटेंटां बशकर हुई गोलीबारी का नतीजा में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। कौमी तहकीकती एजेंसी NIA ने 2017 का CRPF कैंप में हमला का मुलजम गिरफ्तार कर लियो है। वजीर आजम मोदी ने कहा हुकूमत ने तमाम तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत जाहिर की है। जिला चुनाव अफसर जम्मू ने वोटिंग मशीन का मजमू की खातर कायम किया गया मजबूत कमरों को मुआयना कियो। इसके नाली गोजरी में खबरों को यो शुमारो खत्म हुआ।